हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग सीरीज। तो आज से मैं एक नई प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, वीकेंड गेटअवेज फ्रॉम दिल्ली। तो आज सुबह हम चल दिए थे और आज हम जा रहे हैं अभी कसौली। वी आर ऑन द वे, अभी ऑलमोस्ट 1.5 to 2 hours मोर टू गो, फिर लेट्स गो, पहुँच के दिखाता हूँ। सो अभी हम कसौली पहुंच के चुके हैं, अभी चेकआउट कर रहे हैं। कल वीडियो नहीं बनाया था तो मैं अभी बना रहा हूँ। सॉलिड बारिश हो रही है, कल रात से ही मस्त बारिश हो रही है, तो ठंड तो बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पे। बढ़िया, एकदम हिल स्टेशन की भयंकर फीलिंग आ रही है। ठंड वही मौसम के मज़े होते हैं जो पूरे आए। चलिए तो मैं अभी आपको रूम दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं रुका हूँ, क्लाउड बेरी करके होटल है, वहाँ पे फैमिली सूट मिल गया था मेरे को बहुत सही, तो मैं वहीं पर ही रुका हूँ। सो लेट्स चेक इट आउट कैसा है। तो जिस फैमिली रूम में मैं रुका था यहाँ पे, वो दिखाता हूँ मैं आपको भी। एक रूम ये है, एंड अटैच्ड ये है। से हाय। और ये बालकनी, और ये वैली व्यू। तो अच्छी प्रॉपर्टी थी, मुझे तो अच्छी लगी, बढ़िया थी। तो अभी हम लोग आ गए हैं मॉल रोड। यहाँ पे पार्किंग है कसौली में, सबसे अच्छी बात ये है कि मल्टी लेवल पार्किंग है, तो काफ़ी इजी हो जाता है पार्क करना। और मॉल रोड जस्ट यहाँ से स्टार्ट ही हो रहा है, तो पार्किंग करने के बाद तुरंत मॉल रोड पे जा सकते हैं, तो बहुत ही इजी है। और गाइस यहाँ पे व्यू इतना अच्छा है, इतना अमेजिंग। एक्चुअली अभी इतना ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, तो काफ़ी मतलब ओपन लग रहा है, और व्यू इतने अमेजिंग आ रहे हैं ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाती हूँ। और ये हमारे बिल्कुल सामने यहाँ पर चर्च है, जो यहाँ का फेमस चर्च है कसौली का, वो भी बिल्कुल मल्टी लेवल पार्किंग के साइड में ही है, तो ईज़िली हम यहाँ पर भी जा सकते हैं। Look at this, कितना amazing लग रहा है। और ये देखो, just wow। ये पूरा पार्किंग एरिया है, ये एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर से ऊपर है, अब ये फर्स्ट फ्लोर है, तो अभी ये पूरा खाली है, कुछ ही कार्स पार्क हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, और हवा इतनी अच्छी ठंडी चल रही है, so just amazing। कसौली क्राइस्ट चर्च 1844 में बना है, और ये काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, और इसका सारा ग्लास इंपोर्ट इंग्लैंड से किया गया था। तो अगर आप कसौली आए हैं तो इसे ज़रूर देखना। अभी हम ऑल रोड कवर कर रहे थे और ये लास्ट स्टॉल आई, और हमने जस्ट यहाँ से शुरू किया था पीछे जो पार्किंग थी, तो हमें लगा मॉल रोड ख़त्म। फिर मैंने पता किया तो पता चला इस चौराहे से आगे मेन मार्केट स्टार्ट होगा। मेजर ध्यानचंद की स्टैचू बनाई है यहाँ पर, हॉकी लेजेंड। और फिर हाउ इज इट, मंकीज देखो कितने हैं पीछे। ओ ये, यहाँ पे स्ट्रीट वॉर शुरू हो गया है। मुंबई वाली दुश्मनी अभी तक चल रही है, महाराष्ट्र वाली। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ से मेन हेरिटेज मार्केट स्टार्ट है हमारा कसौली का, ओल्ड हेरिटेज सिटी मार्केट, कोर्ट तहसील, न्यू मार्केट, मेडिटेशन पॉइंट। ओके, सब आ गया। मम्मी का फीडबैक लेते हैं, कैसा लगा अब तक कसौली? मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे वो है यूनिट, मुझे तो इससे ज़्यादा बहुत खुशी हो रही है ये सुन जान के। आर्मी यूनिट है, उसका भी छोटा स्टेशन है, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही वातावरण हो रहा है, सुंदर एटमॉस्फेयर हो रहा है, बहुत ठंडा मौसम हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठंड तो अच्छी है, दिल्ली में ही मिस करने लगे थे हम। मम्मी तो कैंट एरिया देखते ही बोलने लगी, मुझे अपना कैंटीन कार्ड लेके आना चाहिए, तो मैं यहाँ से शॉपिंग कर लेती। बाली से लेके यहाँ तक पीछा कर रहे हैं लोग भी। टाडा, वेलकम टू हेरिटेज मार्केट। कसौली एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो कि चंडीगढ़ से बहुत ज़्यादा पास में है। हिमाचल शुरू होते ही कसौली आ जाता है। यहाँ पे करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, मगर ठंड के पूरे मज़े आते हैं। तो अगर आपको नॉर्थ इंडिया की गर्मी से बचना है तो कुछ दिन के लिए आप कसौली जा सकते हैं।
अगर बारिश हो जाती है तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है और आपको जैकेट निकालनी पड़ेगी। कसौली में क्राइस्ट चर्च है और एक छोटी सी हेरिटेज मार्केट और मॉल रोड है जिसको आप शाम में अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, हार्डली आप हाफ एन आवर वॉक करोगे और मॉल रोड ख़त्म हो जाएगी। एज अ वीकेंड डेस्टिनेशन कसौली काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आपको पहाड़ों के नज़ारे लेने और थोड़ी ठंड एक्सपीरियंस करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। आप सुबह अगर आराम से थोड़ा जल्दी निकलते हैं तो फिर बहुत इजीली आप टाइमली यहाँ पहुँच जाओगे, जो होटल चेक इन टाइम होता है यूजुअली। सैटरडे संडे अच्छे से एक्सप्लोर करके आप चाहें तो संडे रात वापस आ सकते हैं। कसौली मेजरली कैंट एरिया है तो यहाँ पे आपको आर्मी काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉयड दिखेगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा कैंटोनमेंट एरिया है यहाँ पे। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। So let's check it out. How is New Kasauli? And I got this cute fridge magnet. Hidden. Deer. Samba. I got a deer. Oh, post office. Really? Oh wow! यहाँ से तो valley view है. कितना सुंदर. अभी टहलते हम आ चुके हैं यहाँ पे द फेमस टन्नू की दुकान पे। यहाँ पे पहले भी काफ़ी फेमस लोग आ चुके हैं, एक NDTV पे शो करते थे, शायद पहले फूड ब्लॉगर इंडिया के, मैं दिखाता हूँ अभी आप रिलेट करोगे, तो वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए जायका इंडिया NDTV टन्नू के समोसे की दुनिया दीवार का बन गया। टन्नू जी के फेमस बन समोसा वाली शॉपिंग। तो क्या ले रही है मम्मी? ओहो किसकी सताई होगी? लौकी के लिए स्टिक। यहाँ हमारा कसौली ऑलमोस्ट द एंड होता है और अब हम निकल रहे हैं अमृतसर। सो सी यू गाइस एट अमृतसर।